अगले साल 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश में सियासी उठापटक जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने महीने भर के भीतर ही प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों का चेहरा बदल दिया है। जहां आज विधायक दल की बैठक में जांजगीर विधायक नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की घोषणा की गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों चेहरों को बदलकर यह साफ कर दिया है कि पार्टी में अब नए लोगों को मौका दिया जाएगा। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों के परफॉर्मेंस पर भी नजर रख रही है। बुधवार को ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक के बाद इसकी घोषणा कर दी गई। इस बैठक में प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन और संगठन के महामंत्री अजय जामवाल भी मौजूद थे। धर्मलाल कौशिक की नेता प्रतिपक्ष के पद से छुट्टी हो गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की आज की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लगने के बाद अब सभी विधायक और सांसदों की बैठक प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के नेतृत्व में चल रही है। इस दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कई बार भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी को उनकी हार की वजह बताया है। जाहिर है कि इस बैठक में नए सिरे से कांग्रेस को घेरने की कोशिश करने की रणनीति पर तो चर्चा होगी ही, इसके साथ ही विधायकों और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की भी रणनीति बनेगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को साल 2018 के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नेताओं का खराब प्रदर्शन भी अब पार्टी के नए बदलाव की वजह है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने न्यूज 18 से की गई खास बातचीत में बताया, छत्तीसगढ़ में अगले 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। प्रदेश सरकार की नाकामी को सड़क से लेकर सदन तक रखने का लक्ष्य बनाया गया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कमल खिलाना ही एकमात्र लक्ष्य है। नारायण चंदेल भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। बीते भारतीय जनता पार्टी में अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अरुण भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। बीते 2018 के चुनाव में प्रदेश का ओबीसी समुदाय कांग्रेस के साथ दिखा था। इसके बाद अगले साल होने वाले चुनाव से पहले माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समुदाय के वोटर्स पर नजर रखे हुए है। राज्य में वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद पार्टी ने तब अपने 15 विधायकों में से पिछड़े वर्ग के नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष चुना था। लगातार 15 साल तक सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी के लिए 2018 की चुनावी हार बड़ा सदमा थी। कार्यकर्ताओं में भी भारी नाराजगी थी। हार के बाद यह नाराजगी नेताओं के सामने भी फूट रही थी। राज्य में वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पिछड़े वर्ग में बहुसंख्यक साहू समाज से आने वाले अरुण साव को राज्य भारतीय जनता पार्टी का कमान सौंपने के बाद कुर्मी समाज से आने वाले नारायण चंदेल की नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।